दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय डीडीएम मेडिकोज दौलतपुर चौक ऊना। बुधवार दोपहर बाद जिलाधीश ऊना राघव शर्मा चिंतपूर्णी में चल रहे विभिन्न प्रकार के विकास कार्य जैसे सीवरेज, शौचालय, श्रद्धालुओं के लिए वेटिंग रूम और माधो के टीले पर बनने वाले कम्युनिटी हॉल का निरीक्षण करने के लिए चिंतपूर्णी पहुंचे। उनके साथ उक्त सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने उन सभी अधिकारियों, मंदिर कर्मचारियों और पुजारियों को साथ लेकर सभी चिन्हित स्थानों का निरीक्षण कर चल रहे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए। गौरतलब है कि चिंतपूर्णी एक धार्मिक स्थान है जहां रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां की पावन पिंडी के दर्शन करने आते हैं। श्रद्धालुओं को और अधिक सुविधाएं देने के लिए चिंतपूर्णी का सौंदर्यीकरण करने के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा कई कार्य किए जा रहे हैं। कार्यों का जायजा लेने के बाद उन्होंने मां की पवित्र पिंडी के दर्शन भी किए। मंदिर प्रशासन ने उनको मां की चुनरी और मां का स्वरूप देकर सम्मानित किया। सर, आज आपने चिंतपूर्णी में जो विकास कार्य चल रहे हैं उनको लेकर निरीक्षण किया, तो क्या क्या इसमें निरीक्षण किया? चिंतपूर्णी में जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुविधा के लिए माधो का टीला ओल्ड बस स्टैंड और जो हमारी पौड़ियाँ बावड़ी तक जा रही है उनके सौंदर्यीकरण के 3 प्रोजेक्ट हैं जो ट्रस्ट ने लिए हैं। उसमें जो चीफ आर्किटेक्ट शिपला हैं आज उनका विजिट हुआ है यहाँ पे और उनकी टीम ने आके पूरा यहाँ देखा है कि कितना यहाँ स्पेस है और क्या क्या जो सुविधाएँ यहाँ पे बन सकती हैं। उसके ड्राइंग्स जो हैं वो हमें बना के देंगे, उसके आधार पे एस्टीमेट होने के बाद इन विकास कार्यों को यहाँ किया जाएगा जिससे कि लॉन्ग टर्म में जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको ये सुविधाएँ यहाँ पर मिल सकती हैं। मंदिर न्यास की जो सीढ़ियाँ मंदिर पर जाती है इस पर कब कार्य शुरू किया जाएगा? मंदिर न्यास की सीढ़ियाँ सीवरेज स्कीम के कारण टूटी हुई थी, उनका टेंडर अवार्ड हो चुका है और इसको शीघ्र इस काम को जो है वो शुरू किया जाएगा। इसके इसको कुंड की जो अवस्था थी उसमें रिस्टोर करके श्रद्धालुओं को हमारा सभी श्रद्धालुओं से ये अपील है कि आप मास्क पहन के ही आए। हमने अपने जो कर्मचारी हैं उनको भी आज निर्देश दिए हैं कि नो मास्क नो दर्शन की पॉलिसी फॉलो की जाए। अगर कोई मास्क नहीं लगा रहा है तो उसको मास्क लगाने के लिए कहा जाए और पुलिस को भी ऐसे जो को भी यहाँ पे जो है वो निर्देश दिए हुए हैं कि चलानी भी की जाए। अगर बाहर के कई लोग जो आ रहे हैं जो ओमिक्रॉन वेरियंट बाहर फैल चुका है वो यहाँ ना आए, इसके लिए निर्देश दिए गए कि चलानी जो है मास्क के लिए की जाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चिंतपूर्णी से पुनीत कालिया की रिपोर्ट। अब डीडीएम मेडिकोज से सस्ते दामों पर खरीदे दवाइयाँ। नगर पंचायत दौलतपुर चौक के बस स्टैंड पर खोला मेडिकल स्टोर। नगर पंचायत दौलतपुर चौक के बस स्टैंड में डीडीएम मेडिकोज के नाम से नया मेडिकल स्टोर खुल गया है जिससे अब मरीजों को अपनी ब्रांडेड दवाइयाँ लेने हेतु दूर दराज के क्षेत्र में नहीं जाना पड़ेगा। बी फार्मेसी के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे डीडीएम संस्थान ने अब दवाइयों के रिटेल व्यवसाय में उतरकर जनता को बेहतर तोहफा दिया है। डीडीएम मेडिकोज के संचालक आशीष शर्मा ने बताया कि उनके मेडिकल स्टोर में ब्रांडेड दवाइयां उपलब्ध हैं और ग्राहक बाजार से सस्ते दाम पर दवाइयां खरीद सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनके स्टोर में अंग्रेजी एवं देसी दवाइयों के अलावा पशुओं की दवाइयां भी उपलब्ध हैं जिसके लिए ग्राहक नगर पंचायत दौलतपुर चौक के बस स्टैंड में पहुंचकर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए डायल करें 8219396612।